कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय गोपी जय
नहीं बोलते अरे कितना मजा जय सच्चा मजा इधर सब लोग देखा नहीं नहीं गुरु ओम ज्ञान तिराम दस्त ज्ञाना जन सलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्लुतरुभ्यः कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश विगत श्री राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशव सच कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि बोल हरि कृष्ण हरि 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 राम 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 हरि हरि सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सद श्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सद श्री श्री श्रीमाद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज है एक विशेष तिथि है। आज श्री बलदेव प्रभु का आज जन्म महोत्सव जन्म तिथि महोत्सव है। कदे श्री बलदेव प्रभु कदे कृष्ण से ये 15 दिन बड़े हैं, लेकिन कभी कभी ब्रज में एक बलदेव छठी बनाते हैं। कद बलदेव प्रभु छठी में कहते को लोग कहते हैं बलदेव प्रभु कृष्ण से एक साथ बड़े हैं, लेकिन हमारे श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कहते नहीं ऐसे नहीं, क्योंकि भागवत पढ़ने से दूसरे दूसरे पुराण ग्रंथ आदि पढ़ने से हमको दिखाई पड़ता है इनका जो नामकरण संस्कार है एक साथ में हुई है। जब दोनों बच्चे जब घुटन पर चले और एक साथ में चले, फिर इनका जो अन्नप्राशन कद उनको एक साथ में हुए, इसलिए अन्नप्राशन नाम करने का नियम होता है, हैं? कि कभी 6 महीना कभी 3 महीना कभी 2 महीना ऐसे ऐसे कुछ नियम होता है कब बच्चों को अन्नप्राशन कराने चाहिए कब इनकी नामकरण कराने चाहिए। अगर श्री बलदेव प्रभु 1 साल के बड़े होते तो फिर उनकी नामकरण संस्कार एक साथ में कैसे हुआ, उनके अन्नप्राशन भर कैसे हुआ है। इसलिए हमारे श्री जीव गोस्वामी कहते नहीं, कहते केवल बलदेव प्रभु कृष्ण से 15 दिन ही बड़े। जैसे आज कृष्ण जन्म हुए और 15 दिन बाद में फिर कृष्ण का जन्म महोत्सव फिर आएगा, है? इसलिए कहते आज श्री बलदेव प्रभु का आविर्भाव तिथि है। कहते इनका नाम श्री बलदेव, कहते इनका नाम बलदेव नाम क्यों पड़ा है, कहते बल मतलब होता है शक्ति, बल
देव मतलब होता है समस्त बल के जो अधिष्ठात्र देवता। बोले कौन सा बल के ये अधिष्ठात्र देवता है? बोले भक्ति बल के। क्योंकि जब तक श्री बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं हो बलदेव प्रभु का, क्योंकि ये आदि गुरु है, बलदेव प्रभु आदि गुरु, इनकी कृपा होने से तभी जीव भक्त जगत में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, हे ना निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाई ते नाई दृढ़ करी धरा निताई भाई। बोले हे ना निताई बिने भाई, जब तक श्री नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं हो तब राधा कृष्ण पाई ते नाई, राधा कृष्ण को हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए निताई करुणा हवे व्रज राधा कृष्ण भावे। इसलिए बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु कृपा होने से तभी ब्रज में राधा कृष्ण तभी मिलेंगे। इसलिए ये जो बलदेव प्रभु है किस चीज की ये बल है? कहते भक्ति जगत का बल है। इसलिए शास्त्र में बताया ना अयम आत्मा बलहीन न ललका। कहते जो आत्म तत्व है आत्म दर्शन, कहते जो व्यक्ति का हृदय में बल नहीं शक्ति नहीं वो आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मरे गरे व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए जिसका छाती दीप बड़े चौड़े हैं बड़े मजबूत है ना वही भक्ति कर सकता है। इसलिए जिसका हृदय कमजोर वो भक्ति नहीं कर सकता है। क्योंकि हम बोलेंगे अगर हम भक्ति करने के लिए आए गले में कंठी माला अगर दे फिर दुनिया हमें क्या बोले? बोले तू बाबा जी हो गया क्या है? क्या तुम बाबा जी हो गया तुमने? ये क्या हुआ है? लेकिन कोई शराब पिए ना, कोई जुआ खेले, कोई लड़की बाजी करे दुनिया कुछ उनको नहीं बोलेगा। लेकिन अगर थोड़ी कोई भगवान की भजन कंठी माला करना शुरू कर दे बोले ये क्या है? है सबसे बड़ा रोग क्या बोलेगा? रोग जगत में सबसे बड़ा रोग क्या है? बोले क्या बोलेंगे लोग सबसे बड़ा रोग, ये सबसे बड़ा रोग है। इसलिए श्री बलदेव प्रभु की कृपा होने पर, इसलिए बल मतलब है जो भक्ति की हमें बल प्रदान करते हैं। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, बोले एकाकिया मार नाही पाए बल हरि नाम संकीर्तने, तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने, ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर एदा से करुणा करे। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, हे वैष्णव ठाकुर, और वैष्णव ठाकुर में सबसे बड़े वैष्णव ठाकुर पर जैसे बड़े देव है। इसलिए तत्वतः वो अलग नहीं है, दुई भाई एक तन समान प्रकाश, और दोनों भाई एक हैं। केवल श्री जगन्नाथ कृष्ण देखने में काले और बलदेव प्रभु देखने में गोरे, इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर जब चैतन्य भागवत को शुरुआत करते हैं एक श्लोक में दोनों को स्तुति करते हैं। बोले आजान लंबित भुजौ कनका बदा तो संकीर्तन कपितरौ कमला यथासौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करौ करुणा अवतारौ। तो वो एक श्लोक में वो दोनों भाई को वंदना करते हैं। मतलब श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं मेरे जो गुरुदेव कौन? श्री नित्यानंद श्री बलदेव प्रभु, ये महाप्रभु से जगन्नाथ से अलग नहीं, वो एक ही है, वो एक ही है। इसलिए दोनों का ही आजान लंबित हो जाए आकर्ण लंबित चक्षु है, दोनों ही गौरव ने कहे है। इसलिए दोनों ही जगत में प्रेम भक्ति को दोनों ही प्रचार करने वाले है, जगत को कृपा करने वाले दोनों ही। इसलिए कहते मेरे गुरुदेव श्री बलदेव प्रभु जगन्नाथ जी से कृष्ण से अभिन्न हो एक ही है। इसलिए केवल कृष्ण ही रास किया दुनिया में, और कोई नहीं रास किया। लेकिन और कौन रास किया? बलदाव किया श्री बलदेव प्रभु भी है। कहते श्री बलदेव प्रभु भी गोपियों को साथ में रास किया है। इसलिए रास रहस्य केवल हमारे कन्हैया है,
लेकिन दूसरे रास रचया कौन है सी ताऊ भैया। बोले क्यों? बोले कृष्ण से ही अभिन्न नहीं, वो देखने में केवल गोरे और काले हैं, लेकिन दोनों अलग नहीं, दोनों एक ही है, हैं? दोनों एक ही है। अभी प्रश्न है, अरे ये जगन्नाथ तो दूसरे स्वरूप में क्यों प्रकट हुए? कृष्ण अरे ये बलदेव प्रभु रूप में क्यों प्रकट हुए हैं? इसलिए कहते श्री बृहद नारद पुराण में आता है, कहते एक समय कृष्ण गोलोक वृंदावन में दिव्य रास मंडल में कृष्ण खड़े हैं, बंसी बटे को नीचे कृष्ण रास मंडल में कृष्ण अकेले खड़े, कृष्ण तो लीलाधारी लीला करने वाले, अभी उनकी इच्छा हो रही है मैं लीला करूं, लेकिन वो लीला तो एक स्वरूप से हो ही नहीं सकता, इसलिए कहते एक अभी बहुस्या, वेद कहता है वो एक होते हुए भी वो बहु रूप में लीला करते हैं, हैं? अभी उनको लीला करने की इच्छा हुई तो कहते इनकी बाह अंग से कहते स्वयं श्री राधा रानी प्रकट हो, और राधा रानी से अनंत सखियां प्रकट होती है, इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं बोले कुमार अम्मा सत्या सची चंद्र रूपिणी राधा अवतार सब आप नायक पाई। इसलिए श्री राधा रानी से कुमार अम्मा सत्या सची लक्ष्मी दुर्गा जितने सब के सब कहां से प्रकट हुए? बोले श्रीमती राधा रानी से अनंत कोटि विष्णु लोक हैं, इसलिए राधा रानी से प्रकट हुए। और कृष्ण के बाम उनको डान साइड से कौन प्रकट हुए? बोले श्री बलदेव। कृष्ण की डान अंग से कौन प्रकट हुए? श्री बलदेव प्रभु प्रकट हुए। और बलदेव प्रभु से जितने अवतार हैं, हैं? इसलिए बोले कारण तो बसाई गर्भोदसाई चपयप्ति साई सेसांस जसांस सकला सनित्यानंदा करामम शरणम प्रपत्ते। इसलिए श्री बलदेव प्रभु से मूल शंकर सैन परिधि से कारण तो दसाई गर्भ तो दसाई खिराब दिशाई सारे विष्णु किससे प्रकट होते हैं? बोले श्री बलदेव प्रभु से। इसलिए बलदेव प्रभु अनंत रूप में श्री बलदेव प्रभु कृष्ण की सेवा करते हैं, वो कृष्ण जगन्नाथ जी से अभिन्न बलदेव प्रभु, लेकिन अभिन्न होते हुए भी मन में इनकी भावना किया है बोले हम कृष्ण का सेवक हूं, कृष्ण का मैं सेवक हूं, जगन्नाथ जी का मैं सेवक हूं, हैं? क्योंकि जगन्नाथ जी की सेवा में इतना आनंद। अभी प्रश्न है पर ये बलदेव प्रभु रूप में क्यों प्रकट हुए और इनकी वाम अंग से श्रीमती राधा रानी क्यों प्रकट हुई? कारण क्या? बोले कारण है कहते कृष्ण कौन है? बोले कृष्ण रस वैस रसम जवायाम लब्धानंद भवती। कृष्ण स्वयं रस स्वरूप है, कृष्ण स्वयं आनंद स्वरूप है, कृष्ण स्वयं प्रेम स्वरूप है, अखिल रसामृत मूर्ति। कृष्ण कौन है? समस्त रस का जो मूर्तिमान स्वरूप श्री जगन्नाथ है, कृष्ण रस स्वरूप है, इसलिए उनको स्वभाव क्या है? बोले इनकी स्वभाव है रसास्वादन करना, इनका स्वभाव ही रसास्वादन करना। अभी कृष्ण रसास्वादन करेंगे इसे, इसलिए अनंत रूप में कृष्ण प्रकट होते हैं, प्रकट होकर के स्वयं स्वयं के साथ में लीला करते हैं। और दूसरी उदाहरण देते हैं, दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे हमें मीठा बहुत प्यारा है, हम किसकी घर में गए लेकिन उसने क्या किया, हमें खुश करने के लिए नमकीन नमकीन चीज बनाया, सब नमकीन चीज बनाया, लेकिन हमें किस क्या प्यारा है, हमें पसंद किया है, कहते मीठा, हमें मीठा अच्छी लगती है, लेकिन उन्होंने नमकीन नमकीन सारा दुनिया बना दिया, जब हमें खिलाएगा खाएंगे तो लेकिन इतना खुश नहीं होंगे, उतना खुश नहीं होंगे, लेकिन अगर हमें कोई पूछ करके आपको क्या पसंद है और उनको जो पसंद हो वही पसंद का चीज बनाए ना, क्या होगा, आदमी खुश होकर खा लेगा। इसलिए अभी जगन्नाथ जी को क्या पसंद है, अभी कृष्ण को क्या पसंद है किसको पता? कृष्ण को ही पता, कृष्ण को क्या पसंद किसको पता? और कृष्ण को ही पता कृष्ण को अच्छा क्या लगता है। अगर कृष्ण स्वयं अगर बोले भैया हमें ये चीज खिलाओ तो खुश हो सकते, इसलिए उन्होंने कृष्ण स्वयं से बलदेव प्रभु रूप में प्रकट हुए। बोले क्यों? बोले बलदेव प्रभु उनकी अभिन्न स्वरूप है, अभिन्न स्वरूप होने का नाते बलदेव प्रभु को ये पता है श्री जगन्नाथ जी को क्या पता है, इनको क्या पसंद चीज है। इसलिए राधा रानी कृष्ण की बाम अंग से राधा रानी प्रकट हुई,
इसलिए उनका नाम राधा, राधा मतलब क्या है, जो कृष्ण को विशेष पूर्वक आराधना करती है, जो कृष्ण को विशेष पूर्वक जो सेवा करती है, ये श्रीमती राधा रानी। इसलिए कृष्ण का हृदय में जो जो इच्छा होता है वो अपनी आप राधा रानी को हृदय में अपनी आप प्रकट हो जाता है। राधा रानी समझ लेती है कृष्ण भी ये चाहते, इसलिए इसलिए राधा रानी का नाम दो तरह का है, एक है सहितु की और एक है अहितु की। अहितु मतलब बिना कारण से राधा रानी मान करती, बोले क्यों, बोले कृष्ण को पसंद है, कृष्ण चाहते राधा रानी मान करे और राधा रानी मान करके बैठी जाते हैं। इसलिए स्वयं कृष्ण अभिन्न रूप में श्री बलदेव प्रभु रूप में प्रकट हुई और प्रकट होकर क्या कर रहे हैं, उनके अनंत रूप में, अनंत रूप में जगन्नाथ जी की सेवा श्री बलदेव प्रभु करते हैं, हैं? श्री बलदेव प्रभु करते हैं। इसलिए कहते श्री बलदेव प्रभु, ये हर अवतार में ये बलदेव प्रभु कृष्ण के साथ में आते हैं। इसलिए तृतीय युग में जब वो राम रूप में आए, अरे वो लक्ष्मण रूप में आए। हम लोग को पता होगा लक्ष्मण उन्होंने कितने सेवा किया रामचंद्र की, उनकी परछाई की भांति रहा। इसलिए हमारे उड़ीसा में जब मेघनाथ को मारने का समय आया, बोले इसको कौन मार सकता है, बोले सभी नहीं मार सकते हैं, जो 14 साल तक सोए नहीं, जिसने 14 साल तक स्त्री का मुंह नहीं देखा, जो 14 साल तक नहीं खाए, वही व्यक्ति मेघनाथ को मार सकता, सभी नहीं मार सकते। लक्ष्मण बोले मैंने किया। बोले कैसे, तुम जो फल फूल लाता था भगवान राम तुमको तो देते थे फल, बोले मैंने नहीं खाया, जो फल दिए थे जहां जहां पर प्रभु राम रहे ना, वो दोनों में जो फल दिया मैंने पेड़ के ऊपर रखे, अभी भी अगर जाओगे ना देखोगे फल अभी होगा, सूखा फल होगा, मैंने खाया नहीं है। और बोले स्त्री को मुंह नहीं देखा, बोले 14 साल तक तो सीता जी रहे, लास्ट साल में सीता जी की हरण हुई है, लेकिन वो तो 13 साल तक रहे सीता जी, तो मुंह कैसे नहीं देखा, बोले केवल मैं सीता जी की और मेरी आराध्या केवल उनके चरणों के दर्शन किया, कभी मैंने चरण से ऊपर कभी मैंने देखा ही नहीं। बोले 14 साल तक सोए नहीं, बोले सीताराम जब विश्राम करते थे मैं स्वयं धनुष धारण करते हुए क्या करता था, मैंने राम सीता की रखवाली करता था, जगे रहता था। इसलिए कहते वही व्यक्ति ही मेघनाथ को मार सकता है, तभी लक्ष्मण ने मेघनाथ को तभी वध किया और उनके परछाई की भांति रहे। अगर राम की थोड़ी सी कोई कष्ट देखे ना, रामायण देखे होंगे एकदम, तो लक्ष्मण भड़क जाते थे और उन्होंने अपना पिताजी को भी खारी खोटी बोलना छोड़े नहीं है। जिस समय राम का वनवास हो गया, लक्ष्मण क्रोधित तो हो गए अपना पिताजी को ऊपर में, बोले स्त्री जीते है, इसलिए उन्होंने बोले स्त्री जीते, अपना पिताजी को बोला, अपना स्त्री के प्रेम में बसीभूत होकर के बड़े भैया राम को क्या कर रहे हैं, वनवास भेज रहे हैं, इतने क्रोधित तो हो गए है। बोले चिंता मत करो, आज जिस समय भारत आ रहा था मिलने के लिए प्रभु राम से वापस ले जाने के लिए, उस समय क्या हुआ, लक्ष्मण पेड़ के ऊपर देखा, घड़ घड़ शब्द हो रहा था, दूर से देखा भरत सन्या सामंत लेकर के आ रहे हैं और उन्होंने उत्तर करके अपना धनुष ले लिया, रामचंद्र का चरण को स्पर्श करते हुए बोले आज मैं इसको जान से मार डालूंगा। इतना साहस, राज्य छीन लिया और सन्या सामंत लेकर के आपको मारने के लिए आ रहा है, निष्कंटक राज्य को भोग करने के लिए, इतने में धनुष लेकर तैयार हो गया। रामचंद्र बोले शांत रहो, बगर जाने लिए कोई चीज नहीं करनी चाहिए। इतने में आकाशवाणी हुई, सावधान लक्ष्मण, बिना जान बुझ करके कोई काम करोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। आकाशवाणी में सचमुच से भरत देखा, भरत प्रभु राम को लेने के लिए आए, लेने के लिए आए, इसलिए ऐसे उन्होंने सेवा की। लेकिन आज सवेरे श्रवण कर रहे थे, ऐसे दो काम लक्ष्मण को करना पड़ गया जिस वजह से उन्होंने बोले नहीं, और मैं छोटे भैया बन करके नहीं आऊंगा। दो काम किया, सीता जी को वनवास में देना, और सीता जी को जब वापस ले रहे थे लंका से, उनको अग्नि परीक्षा करने के लिए चिता सजाना, क्योंकि लक्ष्मण सीता जी को अपना मां मानते, आराध्या देते। उसी समय भी लक्ष्मण राम कुबर बिगड़ गए, राम कुबर में बड़े भाई कुबर में बिगड़ गए, बोले सीता मेरी माँ है, इसलिए माँ के लिए मैं बेटा हूँ, मैं उनको बेटा हूँ, माँ
के लिए बेटा सब कुछ कर सकता, मैं आपका विद्रोह कर सकता हूँ। मतलब इतने बड़ी बात, उन्होंने रामचंद्र का विद्रोह करने के लिए लक्ष्मण तैयारी हो गए। बोले क्यों? सेवा की। इसलिए उन्होंने बोला और मैं छोटे भैया बनकर के नहीं आऊंगा, आऊंगा तो बड़े भैया बनकर के आऊंगा। उसको बाद में जो तीनों अवतार में दो अवतार में उन्होंने बड़े भाई बनकर के आए। इसलिए जगन्नाथ जी का बड़े भाई बलदेव प्रभु बनकर के आए, छोटे भाई नहीं। और नित्यानंद प्रभु रूप में महाप्रभु लीला में उन्होंने बड़े भाई बने, नित्यानंद प्रभु बड़े भाई बने। बनकर के बोले क्यों क्यों बड़े भाई बने? इसलिए शासन करने के लिए नहीं, जगन्नाथ जी की सेवा करने के लिए। जगन्नाथ जी की सेवा कर, अगर मैं बड़े भाई होऊंगा तो क्या होगा? जगन्नाथ मेरे को आदेश नहीं दे सकते, क्यों? मैं बड़े भाई ना, और मेरे मन में जितना इच्छा होगा, जैसे इच्छा होगा, मैं कैसे कृष्ण का सेवा करूंगा? कृष्ण मना करेगा, लेकिन करने पर भी मैं अपना जोर जबरदस्त सेवा करूंगा। इसलिए बोले गुरुदेव बोलते सेवक चार करेंगे, कितना करेंगे? कहते एक उत्तम सेवक है, एक मध्यम सेवक, एक कनिष्ठ और एक अधम। कहते चार तरह के सेवक है। कहते उत्तम सेवक, गुरुदेव बोलते उत्तम सेवक कौन है? उत्तम सेवक वे हैं ठाकुर जी नहीं चाहने पर भी जो उनको जोर जबरदस्ती सेवा करे। कहते उत्तम सेवक, उदाहरण गुरुदेव देते थे। गुरुदेव उदाहरण देते थे, जैसे पति बाहर जा रहा है, ठंडी पड़ा हुआ बाहर जा रहा है, इतने में पत्नी ने कहा देखो बाहर ठंडा पड़ा हुआ बाहर जा रहे हो, लो ये साल ले जाओ। बोले नहीं, क्या जरूरत है साल लेने का, मैं जाऊंगा अभी आ जाऊंगा। बोले नहीं, ठंडा पड़ेगा तो क्या करोगे, और थोड़ा टिफिन में खाना भी ले जाओ, अगर देर हो जाए तो भोजन कर सकते हो। बोले अरे जरूरत नहीं, जाऊंगा अभी अभी आ। बोले देर हो जाएगा तो फिर क्या करोगे? पत्नी पति नहीं चाहने पर भी पत्नी क्या करती है, टिफिन में बड़े सुंदर खाने को टिफिन में पैकिंग कर देती है, और उनको क्या करती है, उनको उन्होंने सुंदर रूप में एक साल भी उनको अटार में भर देती है। बोले इसको ले जाओ। अभी तो पत्नी जोर जबरदस्ती कर रही है, पत्नी जोर जबरदस्ती, पति तो ना मना कर रहे हैं, लेकिन अगर पत्नी करेगा तो पति खुश होगा ना दुखी होगा? बताओ खुश होगा ना दुखी होगा? खुश हो जाएगा ना, देखो मेरी पत्नी मेरे कितना प्यार करती है, मैं नहीं चाहने पर भी मेरे को साल दे दी, मेरे को खाना टिफिनी, पत्नी मेरे को बहुत प्रेम करती, मेरे बहुत ध्यान करती। कभी ये उत्तम सेवक है। क्या उत्तम सेवक कौन है? बोले भगवान नहीं चाहने पर भी तो कोई बोलेगा नहीं ना मेरा सेवा करो, लेकिन जो सेवक है क्या करेगा, नहीं चाहने पर भी उनके मन को जान करके सेवा करेगा। इसलिए बलदेव प्रभु बड़े भाई रूप में इसलिए आए, जगन्नाथ जी की सेवा करने के लिए उन्होंने बड़े भाई बने। कहते उत्तम मध्यम सेवक कौन है? बोलने से पहले जो सेवा कर देते हैं उनको आदेश देने का जरूरत नहीं, कहती मध्यम सेवक है। बोले कनिष्ठ सेवक कौन है? बोले कनिष्ठ सेवक हुए हैं ठाकुर जी आदेश देने पर जो बड़े प्रेम से हैं, बड़े प्रेम से जो सेवा करते हैं, कहते कनिष्ठ है। बोले अधम सेवक कौन है? बोले आदेश देने पर भी गुरु जी ने कहा, गुरु जी अंदर में थे, दोनों गुरु चला सो रहे थे, गुरु जी ने चेले को बोले देखो तो लगता है बारिश हो रहा है, थोड़ा देख करके आओ, तो जब देख करके आओ क्या इतने में। बोले गुरुदेव बारिश हो रहा है कि नहीं? जब पूछे बोले बारिश ही हो रहा है। बोले तेरे को कैसे पता चला, तू तो घर में हो। बोले एक बिल्ली आया ना, वो बिल्ली बाहर से आया, देखा वो गीला हुआ था, इसलिए मेरे को पता चलेगा क्या है, बारिश हो रही है। इसका मतलब है, इसलिए आदेश देने पर भी जो पालन करने नहीं चाहते, बोले अधम सेवक। इसलिए बोलते प्रभु कौन सा सेवक हो गए? उत्तम सेवक बलदेव प्रभु बड़े भाई बन करके केवल जगन्नाथ जी की सेवा के लिए उन्होंने ये बड़े भाई धारण रूप धारण किया। इसलिए बोले श्री बलदेव प्रभु की, बोले श्री दाऊ भैया की, बोले श्री नित्यानंद प्रभु की। इसलिए कति बलदेव प्रभु का रूप में आए और हर तरह से पंच रस से है, ये पंच रसों से कति श्री अनंग मंजरी बन करके कति शांत दास सख्य वात्सल्य ये चार सेवा में तो उन्होंने सेवा किए, लेकिन उन्होंने श्रृंगार रस में भी उन्होंने सेवा किया, श्रृंगार रस में भी इन्होंने सेवा किया। बोले कैसे? चुपचाप सुनो। इसलिए उन्होंने श्रृंगार रस में भी उन्होंने सेवा किया। बोले कैसे? बोले राधा रानी की छोटी बहन बनकर के आई, राधा रानी की छोटी बहन बनकर के आई और इतने सेवा की, कृष्ण राधा रानी की इतने सेवा उसने की,
इतने सेवा की। अब इस जगत में देखना, कभी कभी जो दामाद है ना, अपना पत्नी से जो साली होती है, वो साली को कभी कभी ज्यादा प्रेम करते थे, अपना साली को अपना पत्नी से भी ज्यादा प्रेम करते थे। इसलिए ये अन्नग मोहिनी जो मंजरी बड़ी सुंदर बड़ी प्यारी थी, उसने इतने सेवा प्राण देकर गई। राधा रानी खुश हो, वाह तुमने कितने सेवा कर दी हो। बोले आज तू जो घर मांगोगी ना, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार, आज तो मान। बोले देखो राधे, आप तो हर समय राधा रानी की बाम पास में खड़ी रहती हो, मेरी मन में भी कभी कभी इच्छा होती है, मैं भी कभी कभी कृष्ण का बाम पास में खड़ी होना चाहती हूँ। राधा रानी बोली कोई चिंता नहीं, जब कलयुग आएगा ना, गोपीनाथ का बाम पास में जो खड़ी रहती हूँ, मैं तुम्हें वो स्थान दे दूँ, तुम कृष्ण के बाम पास में तुम खड़ी हो जाना, और कृष्ण की जो डाण साइड में मैं खड़ी हो जाऊंगी। इसलिए जितने गोपीनाथ जी का मंदिर देखोगे, जैसे छोटा गोपीनाथ देखो और जितने गोपीनाथ का मंदिर देखोगे, देखना हर जगह पर कृष्ण के बाम पास में राधा रानी, लेकिन केवल गोपीनाथ मंदिर में दिखेगा जो राधा अनंग मंजरी, वो कृष्ण की बाम पास में और राधा रानी कृष्ण की डाण पास में खड़ी रहती है। इसलिए श्री बलदेव प्रभु राधा रानी की छोटी बहन बन करके अनंग मंजर रूप में बन करके उन्होंने श्री श्याम सुंदर को ये सेवा करती है। श्री बलदेव प्रभु हर तरह से सेवा करते हैं। इसलिए कहते श्री बलदेव प्रभु, कहते जैसे कृष्ण कृष्ण क्या करते हैं, कहते वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छति। कृष्ण जैसे वृंदावन छोड़ करके एक कदम भी कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते, कहते उसी तरह कहते जो बलदेव प्रभु हैं, जो रोहिणी नंदन, इसलिए वो कभी रोहिणी नंदन है, कभी वो देवकी नंदन है। इसलिए जब वो रोहिणी नंदन रूप में हो, उस समय में कहते ये बलदेव प्रभु भी कभी वृंदावन छोड़ करके बाहर नहीं जाते, हर समय श्री वृंदावन में रहते हैं। है? जो कृष्ण बलराम गए वृंदावन छोड़ करके, वो वृंदावन बिहारी नहीं गए, वो मथुरेश कृष्ण और मथुरेश बलदेव गए। हैं? इसलिए जो मूल जो बलदेव कृष्ण ये वृंदावन में रहते हैं। कहते जो वृंदावन में रहते हैं, इनका अस्त्र क्या? बोले कृष्ण का जो अस्त्र है मुझे सत्य बहनों, इनके सिर से सिखी पूछा। कहते ये वृंदावन में इनके हाथ में बंसुरी रहता है, सिर पर मोर मुकुट रहता है। हैं? उसी तरह बलदेव प्रभु जो वृंदावन में रहते हैं, इनके हाथ में श्रृंगार रहता है, श्रृंगार भी रहता है, कभी कभी इनके हाथ में बंसुरी भी रहता है। इसलिए जो मूल श्री बलदेव प्रभु ये भी वृंदावन छोड़कर कहीं जाते नहीं, नित्य वृंदावन में ही ये लीला विलास करते हैं। है? इसलिए कहते श्री बलदेव प्रभु उन्होंने धनुकासुर को वध किया। किसको वध किया? धनुकासुर को। एक समय कृष्ण बलराम सखाओं के साथ में जा रहे थे मस्ती में, हैं? जैसे सखा लोग एक साथ में चलते हैं ना, मस्ती में जा रहे थे, एक सुंदर बगीचा थे जिसका नाम था ताल बैल। ताल फल तो खाए हो तुम लोग, हमारे करुणा प्रभु जी लेकर के आए थे ताल फल, हैं? गांव से साइकिल से चलते चलते आए, साइकिल में चढ़ गए थे, इसलिए ताल फल। और हमारे उड़ीसा में है ताल फल खाते हैं, ताल खाते हैं ना ताल, इसलिए वो जो पकता है ना, पक जाती है, उसकी सुगंध भी बड़ी दूर तक फैलती है। अभी कंस का एक बगीचा थी ताल बैल, है जिसमें बड़े सुंदर ताल होता था। कंस का आदेश था यहाँ का जितने ताल फल और ताल का जो जूस और ताल का जो शराब